हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 16 फॉर क्लास 7th मैथमेटिक्स की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 19 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक है बच्चों प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन हम कैसे करेंगे। सो लेट्स थिंक एंड डिस्कस व्हाट डज फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। बेटे आपको यहाँ पे जो है ना, आपका जो प्रीवियस नॉलेज है उसको चेक करने के लिए चार क्वेश्चंस हैं। अब आप देखिए आप इनको कर पाते हो या नहीं कर पाते। व्हाट डज ए क्लोज फिगर इन अ प्लेन हैविंग थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल कॉल। तो कोई भी एक क्लोज फिगर है जिसके जो है थ्री साइड्स हैं और थ्री एंगल्स हैं, ठीक है, वो क्या कहलाती है, दैट इज नोन एज अ ट्राइंगल। तो देखिए ये थ्री साइड्स है, 1, 2, 3, और थ्री क्या होते हैं, ट्राइंगल्स एंगल्स होते हैं। सो टोटल कंपोनेंट इसमें कितने हैं, टोटल 6 कंपोनेंट्स हैं एंड दिस इज नोन एज अ ट्राइंगल। तो आप आंसर लिख देंगे, सभी बच्चे जानते हैं इट इज नोन एज अ ट्राइंगल। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल के थ्री एंगल्स का सम क्या होता है बेटा, वेरी इजी, 180 डिग्री। थर्ड देखिए, फिल इन द ब्लैंक, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज डैश देन द थर्ड साइड। तो बेटा सम जो है टू साइड्स, मान लीजिए ये दो साइड्स है, इनका जो सम होगा वो जो है थर्ड साइड से ज्यादा होगा या कम होगा, तो वो हमेशा ज्यादा होता है, सो इट इज ग्रेटर। ओके, सो द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। नेक्स्ट देखिए, क्लासीफाई ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड एंगल्स। तो आपको ट्राइंगल जो है उनको क्लासीफाई करना है साइड्स के बेस पे और एंगल्स के बेस पे। तो चलिए बेटा इसको करते हैं। सो बच्चों हम क्लासीफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर थ्री साइड्स के बेस पे हम करेंगे। तो थ्री साइड्स के बेस पे ट्राइंगल जो है वो थ्री टाइप्स की हैं, दैट इज स्केलेन ट्राइंगल, आइसोसेल्स ट्राइंगल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम देखिए, जो स्केलेन ट्राइंगल होता है वो क्या होता है, मींस जिसमें जो साइड्स हैं, तीनों साइड्स होती हैं बच्चों, वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। आइसोसेल्स ट्राइंगल कौन से होते हैं, जिसमें दो साइड्स वो इक्वल होती हैं, दैट इज नोन एज आइसोसेल्स ट्राइंगल। एंड थर्ड इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल यानी जिसकी सारी जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, दैट विल बी द इक्विलेटरल ट्राइंगल। नाउ बेस्ड ऑन देयर एंगल्स, तो एंगल्स के बेस पे भी हम ट्राइंगल को थ्री जो है कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है एक्यूट ट्राइंगल, जिसमें एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम हो। सेकेंड है ऑब्ट्यूस एंगल, जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा हो। एंड राइट ट्राइंगल, जिसमें एक एंगल वो 90 डिग्री का हो, दैट विल बी द राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। हेयर वी शैल लर्न हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल विद गिवन मेजरमेंट, वी मस्ट रिमेंबर दैट। तो हमें यहाँ पर सीखना है कि हम किसी एंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जब हमें मेजरमेंट दी गई हो। सो ए ट्राइंगल हैज 6 कॉम्पोनेंट्स। तो ट्राइंगल में कितने कॉम्पोनेंट होते हैं बेटा, 6 होते हैं। हमने किया अभी 3 साइड्स और 3 एंगल्स। ए ट्राइंगल कैन बी यूनिकली डिटरमाइंड व्हेन 3 इंडिपेंडेंट कॉम्पोनेंट आर नोन। अगर हमें इन 3 में से कोई भी 3 कॉम्पोनेंट पता हो तो हम कोई भी ट्राइंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 3 साइड्स गिवन हो तो भी कर सकते हैं। सेकेंड, अगर हमें 2 साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है तो भी हम कर सकते हैं। थर्ड देखिए, अगर हमें 2 एंगल्स गिवन है और एक साइड जो है गिवन है तो हमें जो है वो भी हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एंड फोर्थ, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेन्यूस एंड असाइड गिवन है तो भी हम एक जो है ट्राइंगल उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। पॉइंट इज दैट कि 6 में से कोई भी 3 चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, टू कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल विद ए गिवन मेजरमेंट वी शुड फर्स्ट ड्रॉ ए रफ स्केच। तो ड्राइंग जो मेजरमेंट गिवन है, ट्राइंगल ड्रॉ करने से पहले हमें उसका एक रफ स्केच जो है वो बना लेना चाहिए, उससे हमें काफ़ी ईजी हो जाएगा ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना। फर्स्ट एग्जाम्पल गिवन है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल व्हेन द लेंथ ऑफ 3 साइड्स आर नोन। अगर आपको 3 साइड्स गिवन है तो हम उससे कैसे एक ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल गिवन है, ड्रॉ ए ट्राइंगल ए बी सी। ए बी दी गई है 5 सेंटीमीटर, बी सी है 6 सेंटीमीटर और सी ए है 7 सेंटीमीटर। तो बेटा पहले आप एक रफ स्केच ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें हमने बी सी को मान लिया 6 है, ए बी हमने 5, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, वो हमें हमारा जो है सबसे जो लार्ज होता है वो उसको हम हाइपोटेन्यूज लेते हैं, वो हमारा 7 हो गया।
तो इस ट्राइंगल को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? तो आइए करते हैं बेटा, आप स्केल और जो है कंपास आप उससे ड्रॉ करोगे, मैं आपको डायरेक्ट वैसे ड्रॉ करके दिखाऊंगी, लेकिन आप साथ साथ कंपास और जो स्केल है आपका उससे ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप जो है एक 6 सेंटीमीटर की साइड ले लीजिए, दैट इज बी सी। ओके, बी सी हमने ले ली 6 सेंटीमीटर। उसके बाद आप बी को सेंटर मानते हुए आप एक आर्क खींचेंगे, कितने सेंटीमीटर पे आप खींचेंगे? 5 सेंटीमीटर पे। तो हमने ए जो है पॉइंट हम लेंगे, तो उसके लिए बी को सेंटर मानते हुए हमने एक आर्क जो है वो बना ली है। ओके, इसी तरह हम फिर से जो कंपास है हमारा उसको हम 7 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, और सी को सेंटर मानते हुए हम यहाँ पर एक और आर्क जो है वो बना देंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा पॉइंट आ गया, ये हमारा ए पॉइंट होगा। अब आप इनको क्या कर दीजिए, इनको जो है इस तरह से आप मिला देंगे। ओके, इनको मिलाने के बाद आपके पास ये जो ट्राइंगल आएगी बेटा, ये बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ आएगी, और ये हमारी ट्राइंगल ट्राइंगल बन जाएगी, ए बी सी। ओके, तो ये हमारी ट्राइंगल जो है यहाँ से कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल गिवन है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल व्हेन द लेंथ ऑफ टू साइड्स। आपको टू साइड्स की लेंथ गिवन है एंड द एंगल दिया गया है, उनके बीच का एंगल जो है वो आपको दिया गया है, यानी एस ए एस दो साइड्स हैं, एक आपको एंगल है, तो ये इस क्राइटेरिया से आपको ये कंस्ट्रक्ट करनी है। तो बेटा इसको भी हम जो है बताएंगे आपको। अब देखिए, ट्राइंगल पी क्यू आर आपको निकालना है, तो रफ हाफ स्केच आपने बना लिया यहाँ पे। क्यू आर आपने 5.5 सेंटीमीटर ली है, क्यू आपने 3 सेंटीमीटर ली है, और यहाँ पे एंगल आपका 60 डिग्री का है। तो बेटा इसको कैसे बनाएंगे, देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आपने एक जो है इस तरह से लाइन ले ली है, क्यू आर इसको आपने नाम दिया, और ये आपकी है 5.5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, एक साइड आपको गिवन है क्यू आर 5.5 हो गया, पी क्यू है 3 सेंटीमीटर। क्यू को सेंटर मानते हुए प्रकार जो कंपास है आपका उसको आप 3 सेंटीमीटर खोल लीजिए, ठीक है। क्या करना है, 3 सेंटीमीटर खोल के और इस तरह से एक आर्क जो है वो बना दीजिए। ओके, आर्क बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपको कंपास खोलना है, क्यू को ही सेंटर मानते हुए आपको इस तरह से एक आर्क यहाँ पर बना देनी है, यानी 60 डिग्री का एंगल यहाँ पर आपको बनाना है। सभी बच्चे जानते हैं 60 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, उतना ही प्रकार खोले खोले आप एक आर्क जो है यहाँ पर लगा दीजिए, और ये जहां पर काट रही है इस पॉइंट से आप इसको ऐसे जो है मिलाते हुए इसको आगे जो है ऐसे बढ़ा देंगे। ओके, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पर काटेगा, और इसको आप नाम दे दीजिए पी। ओके, अब ये जो पी पे यहाँ पे हो गया, अब ये एंगल कितने का बन गया बेटा, एंगल जो है यहाँ पे ये 60 डिग्री का एंगल बन गया, और आप पी और आर को ऐसे यहाँ पर तक मिला दीजिए, ये आपकी ट्राइंगल जो है ये कंस्ट्रक्ट हो गई है। अब आपकी ये जो साइड है क्यू पी, ठीक है, क्यू पी क्यू साइड आपकी 3 सेंटीमीटर है, हमने 3 सेंटीमीटर आर्क लगाई हुई है ये, और ये आपकी जो है साइड यहाँ पे आ गई। तो बेटा तीन चीजें थी, ये दी गई थी साइड, ये एंगल दिया गया था, और ये दिया गया था, तो इससे आप ये कंस्ट्रक्ट आपने कर ली। ओके, आप देखिए, आपको बेटा जो क्वेश्चन दिए गए हैं नीचे, टू क्वेश्चन आपको गिवन है, उसमें जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम एज इट इज है, मैं अभी आपको बता दूंगी, बट आप उसको, ये सेकंड क्वेश्चन का ही आंसर है आपका, यही आपको मेजरमेंट गिवन है, यही एंगल गिवन है, बस आपको नाम चेंज करने हैं। पी क्यू आर की जगह उसमें ए बी सी दिया गया है, और उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा उसमें कि पूछा गया है कि जो ए बी सी जो आपने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट की है वो पी क्यू आर की तरह है या नहीं है। अब मेजरमेंट इक्वल है तो ऑब्वियसली वो इक्वल होगी, तो आप उसके आंसर में लिख देंगे दैट ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ से देखिए, ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल हमारी ए बी सी ट्राइंगल है वो बिल्कुल सेम होगी किसके, पी क्यू आर के। ओके, तो ये आपको वहां पर लिखना है। अब करते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, लेट्स प्रैक्टिस में आपको गिवन है कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 5.5 सेंटीमीटर। तो 5.5 सेंटीमीटर इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको ड्रॉ करनी है, तो उसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, साथ साथ बनाइए। आपको क्या करना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 साइड्स इक्वल होंगी, तो एक साइड आपको गिवन है 5.5, तो आपकी 3 वही होंगी। ये हमने ले ली, मान लीजिए ए बी है ये हमारी,
और ये है 5.5 सेंटीमीटर। 5.5 सेंटीमीटर कंपास जो है आप खोल लीजिए और ए को सेंटर मानते हुए एक जो है यहाँ पर आप आर्क बना दीजिए। इसी तरह बिना प्रकार को हिलाए बी को सेंटर मानते हुए यहाँ पे एक आर्क बना दीजिए। इनको यहाँ पे मिला दीजिए, ठीक है, यहाँ पे मिला दीजिए बेटा, ऐसे मिला देंगे तो ये जो पॉइंट है हमारा ये सी बन गया। ये हमारी देखिए अब ये भी हमारी 5.5 होगी, ये साइड भी हमारी 5.5 सेंटीमीटर होगी। ओके, तो ये जो है हमारा क्या बन गया, ये ट्राइंगल बन गई हमारी ए बी सी। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर टू। तो इस तरह से बेटा आप इसको बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर टू है, कंस्ट्रक्ट अनदर ट्राइंगल ए बी सी सच दैट ए बी इज 3 सेंटीमीटर, बी सी 5.5। बेटा मैंने अभी आपको बताया ना ये सेम है, ए बी 3 सेंटीमीटर। आप देख लीजिए, ये देखिए ए बी की जगह पी क्यू दे रखा है 3 सेंटीमीटर, उसके बाद बी सी 5.5 सेंटीमीटर, बी सी की जगह बस आपको दिया है क्यू आर 5.5 सेंटीमीटर। एंगल आपको दिया गया है बी एंगल 60 डिग्री, और यहाँ पर एंगल आपको दिया गया है क्यू एंगल 60 डिग्री। तो बिल्कुल बेटा सेम है, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया आपको, बिल्कुल सेम इसी तरह आपको ये कंस्ट्रक्ट करनी है। टेक ए कटआउट ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड प्लेस इट ऑन पी क्यू आर। आपको बताना है कि जो है आपने क्या ऑब्जर्व किया, अगर आप ए बी सी को कट करते हो ट्राइंगल को तो क्या पी क्यू आर के ये इक्वल है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, सो आप लिख सकते हो वी ऑब्जर्व, आप यहां पे लिख देंगे वी ऑब्जर्व दैट ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये बस इसका लिख दीजिएगा बाद में। तो ये हो गई आपके आज की वर्कशीट। सो आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है, आप अब इजीली ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।